दुखद भरी खबर इस समय की जीएमसी जम्मू से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत ही दुखद भरा हादसा जो है वो देखने को मिला है, जहां पर एक ट्रक को जो है वो करंट लगी है और जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि ऐसे में ट्रक को जैसे ही ये बिजली की तारें जो है वो उसके साथ टच हुई है, तो ऐसे में एक व्यक्ति जो है वो इसमें जो ट्रक को चला रहे थे वो जो है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें कि इसमें वो जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू में यहाँ पर लाया गया है। काफी ज्यादा जनाब है, ये दुखद भरी खबर है और कोशिश करें कि वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके। ना जाने इस जो ड्राइवर की हालत है वो जो है वो काफी ज्यादा इस समय जो है वो गंभीर बताई जा रही है और जिसके बाद परिवार पर जो है वो इस समय दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन ऐसे में उधमपुर के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं जो कि ट्रक को चलाने का काम करते थे। सर क्या पूरा ये हादसा वो थोड़ा बताएंगे? तो खाना खा रहा था लड़का। जी जी। वो दूसरी गाड़ी थी उसमें आग लगी। हाँ जी। कुछ गया दूसरी गाड़ी तो आगे करने साढ़ बज गई उसको करंट लगी है। करंट लगी है बस करंट बज गया। ये उधमपुर के कौन सी जगह से है? रौंदमेल से। रौंदमेल से है। कितनी उम्र थी इनकी? लड़के की उम्र वो होगी 30 साल। ये ट्रक चलाते थे? हाँ ट्रक चलाते थे। अभी कैसी कंडीशन है? अभी कोई देख नहीं रहा है, उधर कोई है ही नहीं हॉस्पिटल में। अच्छा। इतनी कंडीशन है उसकी खराब है, बिजली बीच को गांव के बीच से निकल भी आई इसको, गांव के बीच से गांव के बीच से बुरा हाल है उसका। क्योंकि डॉक्टर है ही कोई नहीं सर, पैसे लगाई हैं उन्होंने खाली, बस क्या है फिर तो लुधियाना जाना क्या लेके जाएंगे उधर लुधियाना। अभी यहाँ पे इलाज सही नहीं हो रहा है कुछ भी? देखो आप मौके पर जाकर देख सकते हो, इधर है ही कुछ नहीं है ना। आप क्या लगते हैं? मेरे साली का लड़का भांजा ही है। अभी बाकी परिवार वाले आए हैं? अब सभी आए हैं उधर खड़े हैं, कोई पूछ मांग नहीं है, कोई सारी पाइपें डाल रही हैं। पाइप डाल के क्या करेंगे हम उसको, सर की काफी दुखद ये खबर है जो कि आप तक जो है वो जीएमसी जम्मू के बिल्कुल बाहर से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सांबा के सिड़कू एरिया में जो है वो वहां पर अचानक जो है वो ये बताया जा रहा है कि रजत शर्मा सनाफ विजय कुमार जिनकी उम्र 26 साल के करीब है और उधमपुर के रौंदमेल के रहने वाले बताए जाने, लेकिन ऐसे में अचानक जो है वो ये खाना खा रहे थे और जिसके चलते जो है वो ट्रक को वहां पर जो है वो आग लग जाती है और फिलहाल वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में उन्हें फिलहाल इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू के यहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है ताकि उनकी जान को बचाया जाए। लेकिन जनाब अभी तक की जो अपडेट सामने आ पा रही है उसके मुताबिक उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है और ऐसे में ना जाने परिवार जो है वो इस समय जो है वो काफी ज्यादा परेशानी में है और आप सभी लोगों की इस समय जो है वो दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये बहुत ही बड़ा ये कहें कि दुखद हादसा सांबा के सिड़कों में देखने को मिला है, यहाँ पर अचानक एक जो है वो बताया जा रहा है कि ट्रक को जो है वो अचानक आग लगी है और वजह जो है फिलहाल शॉर्ट सर्किट की सामने आ पाई है। लेकिन उधमपुर के रहने वाला ये रौंदमेल के रहने वाले ट्रक जो चालक है वो जो है बताए जा रहे हैं और फिलहाल उनका परिवार यहां पर जो है पहुंच चुका है। लेकिन काफी ज्यादा हालत की बात करें तो उनकी जो है वो इस समय हालत नाजुक जो है वो बनी हुई है। माता रानी के आगे, वाहे गुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे जनाब दुआ करें कि जिस तरह से ये एक बहुत ही दुखद भरा हादसा जो है वो आज सांबा के सिड़को इलाके में पेश आया है, जिसमें एक ट्रक चालक जो है वो उस वक्त घायल हुआ है जब वो जो है वो कहीं ना कहीं खाना खा रहा था, लेकिन ऐसे में अचानक बिजली की तारें जो है वहां पर उसके साथ टच हो जाती हैं और जिसके बाद वो कहीं ना कहीं इस बिजली जो शॉर्ट सर्किट था इसकी चपेट में आ जाता है और जिसके बाद कोशिश की गई है कि सांबा पुलिस द्वारा कि उन्हें जीएमसी जम्मू में यहां पर हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन अभी तक जो परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर जनाब ये कहना है कि उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है और उन्हें आगे के लिए जो है वो रेफर करने की कोशिश कह रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग जनाब जरूर दुआ कीजिएगा क्योंकि आप सभी लोगों कि इस समय जो है वो दुआ की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उधमपुर के रौंदमेल के रहने वाला ये व्यक्ति जो हो बताया जा रहा है जिसकी पहचान जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक इसकी पहचान जो है वो रजत शर्मा सनाफ विजय कुमार जिनकी उम्र 26 साल के करीब है और आरो उधमपुर के रौंदमेल इलाके से जो है वो ताल्लुक रखते हैं और ट्रक चलाने का काम करते थे। लेकिन जनाब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से जो है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है वो इनके साथ ऐसी घटना पेश आएगी कि जिसके बाद परिवार को जो है वो इस तरह से परेशानी जो है वो देखने पड़ेगी। तो फिलहाल ये इस समय की दुखद भरी खबर है जो कि आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जीएमसी जम्मू से। इस समय की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आपको बताते चलें कि अचानक सांबा के सिड़कू इलाके में यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जो है वो अचानक एक ट्रक को उस वक्त आग लगी है जब जो है वो कहीं ना कहीं एक ये बताया जा रहा है कि ट्रक वहां पर खड़ा था और ऐसे में ना जाने क्या हुआ है बिजली की तार के साथ वो टच हुआ है, बिजली की तार वहां पर गिरी है और जिसके नतीजे में एक जो उधमपुर के रहने वाला ये बताया जा रहा है कि उधमपुर जिले से
ताल्लुक रखने वाला जो एक व्यक्ति था जो कि ट्रक को चलाता था फिर क्या करता था, वो जो है वो इसमें घायल हुआ है, जिसे फिलहाल इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू में यहाँ पर पुलिस की मदद से यहाँ पर लाया गया है। लेकिन ऐसे में अभी तक फिलहाल उसकी हालत कैसी है उसके बारे में कोई भी किस तरह का कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिवार की माने तो उनका ये कहना है कि उनकी हालत इस समय जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। और ऐसे में आप सभी लोग आप देख सकते हैं कि परिवार इस समय जो है वो किस तरह से काफी ज्यादा परेशान हाल है। लेकिन माता रानी के आगे, वाहेगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे आप सब लोग जरूर दुआ कीजिएगा कि जिस तरह से ये घटना जो है वो सांबा के सिडको इलाके में देखने को मिली है, यहाँ पर अचानक एक ट्रक को उस वक्त आग लगी है जब एक ट्रक ड्राइवर जो है वो खाना खा रहा था, लेकिन ऐसे में अचानक तार गिरती है बिजली की, फिर क्या होता है और ऐसे में अचानक जो है वो जो भी ट्रक ड्राइवर था या फिर जो भी ट्रक के अंदर वो खाना खा रहा था बैठकर, वो जो है वो इसमें घायल हुआ है और जिसके बाद उसे जीएमसी जम्मू में यहाँ पर लाया गया है। लेकिन हालत कैसी है ये सब कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बताइए जा रहा है कि जनाब हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है और ऐसे में डॉक्टर्स द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि उनकी जान को जो है वो बचाया जा सके और उनकी जान को बचाया जाए। लेकिन ऐसे में फिलहाल जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। जिस तरह से ये पूरा हादसा जो है वो जम्मू कश्मीर के सांबा में देखने को मिला है, यहाँ पर आपको बताते चलें कि अचानक एक बिजली की तार गिरने से जो है वो एक ट्रक में बैठे व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे फिलहाल इस समय सांबा पुलिस की मदद से जीएमसी जम्मू में यहां पर लाया गया है। लेकिन ऐसे में अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक उसकी हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है और उधमपुर के रोंदमेल का रहने वाला ये बताया जा रहा है, 26 साल के करीब उम्र है। और बताया जा रहा है कि जनाब जिस जगह पर सांबा के सिडको यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर ये हादसा पेश आया, वहां पर इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं, लेकिन ना जाने क्या कुछ वजह है कि लगातार इस तरह के हादसे वहां पर देखने को मिल रहे हैं और जिसके चलते आज दिन लोगों को वहां पर अपनी जो है वो जाने गंवाना पड़ रही है। तो ऐसे में आप सब लोग माता रानी जी के आगे, वाहेगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे जरूर दुआ कीजिएगा कि इस 26 साल के नौजवान को जो है वो जल्द से जल्द बचाया जाए और इसकी लंबी उम्र की जरूर दुआ करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद भारत।